हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज की जो वीडियो है वो 10 मिनट का फेशियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये होममेड फेशियल है, बनाना फेशियल है। बनाना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर कोई अपनी स्किन से झुर्रियाँ ख़त्म करना चाहता है तो वो बनाना फेशियल करे, बनाना के मार्क्स बना के लगाए। उससे उनकी स्किन पे जितने भी रिंकल्स झुर्रियाँ वगैरह हैं वो बहुत जल्दी उनकी इम्प्रूवमेंट होगी, उनके रिंकल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये माना जो है ना वो हमारी स्किन को चाओ देता है, लूज हो गई है स्किन में, थोड़ी टाइटनिंग चाहते हैं तो वो बनाना फेशियल लाजमी किया करें। हफ्ते में एक दफ़ा, 10 दिन में एक दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा। तो और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि एज आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों की बढ़ रही है, बनाना फेशियल एज के इफेक्ट को भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो करता है, ठीक है, तो इसका भी फायदा है। ठीक है, और भी बहुत से फायदे हैं, आपकी स्किन पे एक अलग से शाइन और ग्लो लेके आता है। और बनाना के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मैं जितने भी फायदे आपको गिनवाऊँ वो कम है। तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको 10 मिनट का फेशियल, जिनके पास टाइम नहीं होता, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, उनके लिए 10 मिनट का ये फेशियल मैं वो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अब इस रेमेडी को बनाना शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसको आपने कैसे बनाना है और इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्वियसली बनाना की ज़रूरत है, और एक बनाना चाहिए। लेकिन बनाना जो आपने लेना है वो थोड़ा सा आपको गला होता है, जैसे कि नरम होता है, वो बनाना आपको चाहिए। और मैंने इसको काफ़ी दिन फ्रिज में रखा है ताकि इसकी ये शक्ल आ जाए। मैं अब आपको बनाना बताती हूँ कि आपने ये फेशियल कैसे बनाना है। जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये बनाना है, ये जो मैंने बनाना आपको बताया था कि गला हुआ, आपने बनाना लेना है। इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ठीक है, एक हफ्ते से, कि इसकी ये शक्ल आ जाए। आपने ऐसा ही बनाना लेना है, ठीक है, जिसकी स्किन ऐसी हो और अंदर से वो बिल्कुल ऐसा हो। और ये जितना अच्छा आपके फेस पे इफ़ेक्ट डालेगा ना, वो आपके फेस पे जो बिल्कुल ठीक बनाना होता है वो नहीं डालेगा, ठीक है। तो इसको आपने निकाल लेना है। और ये जो स्किन आप देख रहे हैं, ये स्किन, इसको भी मैं थोड़ा सा डालूंगी। इस स्किन से आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं ना, जिन लोगों के हैं, अगर वो बहुत सी चीज़ें यूज़ कर कर के थक गए हैं, यानी कि जैसे कि क्रीम्स वगैरह, इसको उन्होंने ओपन पोर्स के लिए, ये भी मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, इस तरह आपने इसकी स्किन उतारनी है, ये, ठीक है, ये देख रहे हैं मैं उतार रही हूँ। तो इसी तरह आपने स्किन उतार के, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये आपने 2-3 बनाना ले लेने हैं, 2 बनाना ही काफ़ी हैं, उसमें से आपने ये निकालना है और इसको अपने फेस पे लगाना है। जस्ट खाली ये, कुछ भी नहीं बीच में ऐड करना। जिनके ओपन पोर्स हैं उनके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा। लाजमी हफ्ते में एक दफ़ा लगाया करें जी। ये अब ये मैंने सारा निकाल लिया, तो इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया, और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जी फ्रेंड्स, ये मैश करके बनाना एलोवेरा जेल मैं डाल रही हूँ, यानी कि अंदाजे से मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, ठीक है। आप जो पौधा होता है एलोवेरा जेल का, अगर आपके घर में ओरिजिनल है तो मतलब कि वो लगा सकते हैं, और मैं ये वाला मार्केट का एलोवेरा जेल ले रही हूँ, वरना आपके घर में पौधा है तो आप वो वाला ले सकते हैं। ये मैंने शहद लिया है थोड़ा सा, लेकिन जो बनाना है, बनाना के तो जितने भी फ़ायदे मैं आपको बताऊँ वो कम हैं। तो इसलिए होममेड चीज़ों को आप पसंद नहीं करते, वो ज़रूर इसको यूज़ करें, उनको इसके फ़र्क, इसके बेनिफिट ज़रूर पता चलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ होममेड रेमेडीज़, और इसीलिए मैं अपने चैनल पे आपको होममेड रेमेडी, ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, कोकोनट ऑयल, ठीक है, आपने ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इसके बाद जो आपने इसमें ऐड करना है वो थोड़ा सा बेसन है,
ये हाफ स्पून यानी कि मैंने बेसन ऐड किया है, इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाना है मैंने इस वजह से। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने हाफ चम्मच दही भी ऐड की है, और इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और पेस्ट बना लेना है। अब ये पेस्ट बन गया है। ये 10 मिनट का फेशियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको अपने फेस पे लगाना है, लगाने के बाद आपने 10 मिनट रखना है और थोड़ी सी मसाज करनी है और फेस वॉश कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये मैंने बना दिया है बनाना का पेस्ट, यानी कि ये आपका 10 मिनट का फेशियल है। इसको आपने बिल्कुल क्लीन फेस हो, आपके फेस पे कोई भी चीज़ लगी ना हो, तो आपने इसको फेस के ऊपर लगाना है 10 मिनट के लिए सिर्फ, और आपका फेशियल और थोड़ी सी मसाज करनी है कंप्लीट। और इसको मैं फेस पे लगा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा जो बनाना का मैंने पेस्ट बनाया था, जो 10 मिनट का मैं फेशियल आपको बता रही हूँ, ये सारा मैंने अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से उसको लगाना है सारे पेस्ट को। और याद रखें, आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपके अगर इस साइड पे रिंकल्स हैं, ठीक है, रिंकल्स ये बहुत ज़्यादा जादू की तरह बनाना काम करता है, आपकी स्किन टाइट करता है। अगर तो आपके इन जगहों पे रिंकल्स हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाली, जैसे मैंने ये आइस के नीचे अच्छे से दोनों साइड पे लगाया, आपने ये पेस्ट को लाजमी लगाना है। और लगाने के बाद आपने, अब मैंने इसको लगा दिया है पूरे फेस पे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए आपने छोड़ना है। 10 मिनट के बाद आपने बिल्कुल हल्के हल्के सॉफ्ट हाथों के साथ मसाज करनी है, और मसाज करके अपना फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश करना है, आपने कोई सोप नहीं यूज़ करना, आपने जस्ट पानी के साथ इसको वॉश करना है, और आप अपने फेस पे खुद फर्क देखेंगे। आपकी स्किन एकदम से टाइट होगी, आपकी स्किन में ग्लो होगा, और आपकी स्किन पहले से ज़्यादा आपको फ्रेश लगेगी, नीट लगेगी। और अगर आप इस 10 मिनट के फेशियल को रेगुलर करेंगे, जैसे हर हफ्ते करेंगे, तो आपको इसके फ़र्क दिन ब दिन, स्टेप बाय स्टेप जैसे यूज़ करेंगे, आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। 10 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा इसको थोड़ी सी मसाज करके आपको दिखाती हूँ, और फेस वॉश करके। अच्छा, और एक और बात याद रखिएगा, ये जो भी आप रेमेडीज यूज़ करते हैं, उससे पहले आपने अपनी स्किन पे कुछ ना लगाया हो, ठीक है, बिल्कुल क्लीन फेस हो, मेकअप ना हो, कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर वगैरह ना लगा हो, तो फिर आपने इसको लगाना है। आपने जब भी कोई रेमेडी या कोई फेशियल वगैरह करना है, आपने कोई रफ ड्रेस ले लेना है अपना, वो इस वजह से कि जब भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये देखें, ये मतलब आपके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ये भी एक छोटी सी टिप है आप सबके लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, कि आपने ये ख्याल रखना है। और ये जितना भी पेस्ट था, मैंने उसको, बाकी जो थोड़ा सा बचा है, मैंने उसको अपने हाथों पे लगा लिया, और आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, उसको अपने हाथों पे लगा लेना है। कईयों के हाथों पे भी झुरलियाँ होती हैं, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है ये। अब मैंने इसको लगाया, मैं 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, और उसके बाद 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मुझे 10 मिनट हो गए हैं अपने फेस पे इसको रखे हुए, ठीक है। आपने भी 10 मिनट के लिए इसको रखना है, सिर्फ 10 मिनट का ये फेशियल है। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ मसाज करनी है, और जो थोड़ा सा बचा था मैंने हाथों पे लगा लिया। फ्रेंड्स, ये मेरी मसाज हो गई है, अब मैं इसको वॉश करके आपको फेस दिखाती हूँ, और हाथों पे भी जो आपने लगाया होगा उसको भी आपने अच्छे से मसाज करनी है। जी फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, ठीक है, और वॉश करके तो ये देखें, मेरी स्किन नीट और क्लीन लग रही है। और थोड़ी देर बाद जब मैं, यानी कि अपनी फेस को 2-3 घंटों बाद वॉश करूँगी, तो और ज़्यादा स्किन पे फ़र्क होगा। और आप ये स्किन को देखें, ये ग्लो आ रहा है मेरे नोज़ पे भी। और ये आपको बनाना फेशियल करके मिलेगा ज़रूर, तो आप ये फेशियल ज़रूर, 10 मिनट वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है,
और इसे यूज़ कीजिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके पास ना हो अवेलेबल, घर में ये सब कुछ अवेलेबल होता है सब। इसको आप इजीली फेशियल को कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए, एक 10 मिनट का फेशियल। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।